छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को 24 अप्रैल से एक माह के लिए बंद करने का तुगलकी फरमान फौरन रद्द करने व यात्रियों की सुविधा के लिए सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने वोरा ने DRM कार्यालय में जताया कड़ा विरोध। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 लोकल ट्रेनों को 24 अप्रैल से एक माह के लिए बंद किए जाने पर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने कड़ा विरोध जताया है। इसी कड़ी में DRM दफ्तर में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद वोरा ने कहा कि बंद की गई 23 ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेनें दुर्ग से होकर जाती हैं। वोरा ने जोर देकर कहा कि रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन तत्काल शुरू किया जाए। इसके पहले ट्रेनों को रद्द करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। CM के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने की मांग की थी। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने DRM कार्यालय को घेराव कर ट्रेनों का परिचालन तत्काल आरंभ करने कहा है। गौरतलब है कि वोरा ने कहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा एक तरफा तुगलकी फरमान जारी कर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसके कारण रोजाना अप डाउन करने वाले हजारों छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा व व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय व आर्थिक नुकसान के साथ ही शादी ब्याह व टूर पर जाने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इलाज के लिए इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग भी ट्रेन रद्द होने से परेशान हैं। स्टेशन पर हमारे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ट्रेन रद्द होने के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इन ट्रेनों के परिचालन बंद होने के पहले यात्रियों के लिए किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से बिलासपुर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए 24 अप्रैल से रद्द की गई ट्रेनों में से 60 ट्रेनों को निर्धारित समय पर फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। 24 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022 तक रद्द कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी अनुसार होगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।